तो चलें। सुनो, हम एक घंटे में मिलते हैं। ओके। तुम्हारे घर डिनर करेंगे और सेक्स भी। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ G5 की प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुए 5 अगस्त को जैसे इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिल सीरीज, जिन्हें मिस करने की गलती तो बिल्कुल मत करना। और स्पेशली नंबर 1 वाली तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी डेफिनेटली पसंद आने ही वाली है। तो अगर आप इस लिस्ट की किसी भी सीरीज को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को बिना कहे स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। लॉन्डो के साथ इश्क लड़ाना तो मरना ही पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 5 से। और नंबर 5 की प्लेस पे है 2020 में आई लाल बाजार, जिसे IMDb पे 6.3 की रेटिंग मिली हुई है, जिसके स्टोरी मेनली फोकस करती है बंगाल में चल रहे सेक्स वर्कर के ऊपर, जहां पे एक सेक्स वर्कर की मौत हो जाती है। पर कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब पुलिस के कस्टडी में होने के बावजूद भी डेड बॉडी गायब हो जाती है। तो आखिर डेड बॉडी गई कहां और उसके पीछे आखिर क्या मिस्ट्री है, और इन सब के बीच आखिर पुलिस ऑफिसर के पर्सनल लाइफ आखिर कैसे इफेक्टेड होते हैं, ये सब कुछ तो आप ये सीरीज देखकर ही जानो तो ही बेहतर होगा। तो अगर आपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ज्यादा कुछ देखकर नहीं रखा है तो फिर ये सीरीज आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। नेक्स्ट नंबर 4 2019 में आई ऑटो शंकर, जिसे IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें स्टोरी दिखलाया गया है एक ऐसे साथी सीरियल किलर की जो कि पैसे से ऑटो ड्राइवर है। यहाँ पर वो अपने ऑटो में बैठने वाले सभी पैसेंजर का काफी बेरहम तरीके से हत्या करना शुरू कर देता है, जिससे शहर में एक खौफ का माहौल छा जाता है। तो क्या पुलिस इस साथी किलर का पता लगा पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी, जिसमें काफी जगहों पे बोल्ड इंटीमेटिक सीन भी डाले गए। तो अपने फैमिली के साथ देखने की ना ही गलती करे तो ही बेहतर होगा। अगले नंबर 3 प्लेस पे 2022 में आई एक बेहद इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर सीरीज मिथ्या, जिसे IMDb पे 6.9 की रेटिंग मिली हुई है, जिसके स्टोरी मेनली फोकस करती है जूही नाम की एक ऐसे हिंदी लिटरेचर टीचर की, जिसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है। पर उसकी लाइफ उस वक्त बदलना शुरू हो जाती है जब रिया नाम की एक साइकोपैथ स्टूडेंट उसकी लाइफ में एंट्री लेती है, और इसी बीच उसके पति का मर्डर भी हो जाता है और पुलिस की नजरों में सस्पेक्ट खुद जूही है। तो क्या वाकई जूही ने अपने पति का मर्डर किया या फिर इसके पीछे रिया का हाथ है, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी जो कि वाकई काफी इंगेजिंग है। और अगले नंबर 2 के प्लेस पे है मिर्जापुर के बाद देवेंदु शर्मा की 2022 में आई एक न्यू सीरीज बिच्छू का खेल, जिसे IMDb पे 7.0 की रेटिंग मिली हुई है। बात करें अगर इसकी स्टोरी की, स्टोरी मेनली फोकस करती है कि ऐसे बाप और बेटे की जिनके लाइफ में वैसे तो पैसे की काफी कड़की है, और इसी बीच उसके पिताजी का मर्डर हो जाता है। तो आखिर ये मर्डर आखिर किसने और क्यों किया, और इसके पीछे आखिर क्या मिस्ट्री है, और क्या बेटा अपने बाप का बदला ले पाता है या नहीं, और आखिर वो बदला लेने के लिए आखिर किस हद तक जाएगा, ये तो आप ये सीरीज देखकर ही जान पाओगे, जिसे आप डायरेक्टली G5 से देख सकते हो। और फाइनली लिस्ट में नंबर 1 की प्लेस पे है G5 की वन ऑफ द बेस्ट सीरीज सनफ्लावर, जिसे IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है सनफ्लावर सोसाइटी में हुए एक मर्डर से, जिसमें पुलिस वालों को पूरा शक सोनू पे है जो कि दिमाग से थोड़ा मेंटल भी है। तो क्या वाकई ये मर्डर सोनू ने ही किया है, और अगर नहीं तो पुलिस वालों का शक आखिर सोनू पे क्यों जा रहा है, और इन्हीं सब के बीच आखिर सोनू की लाइफ आखिर कैसे इफेक्टेड होती है, सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी होगी, जिसमें सोनू के कॉमेडी वाले सीन्स देखकर तो आप काफी हंसने वाले हो। तो दोस्तों फिलहाल बस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये सभी सीरीज आप सभी को पसंद जरूर आए होंगे। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।